हाँ, तो पिछले टर्म पे हम लोग आर एस क्राइटेरिया देख रहे थे, ठीक है ना। तो आर एस क्राइटेरिया में क्या था, सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वन प्लस सी एच एस एच एस जो होता था हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, उसको इस पॉलिनोमियल के फॉर्म में रखते हैं, सो दैट कि एस के डिक्रीजिंग पार्ट्स में, जैसे मान लो एस स्क्वायर हुआ, फिर एस टू द पावर वन होगा, फिर एस टू द पावर जीरो होगा, फिर थ्री होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टू होगा, फिर वन होगा, फिर जीरो होगा, ठीक है ना। तो एस के डिक्रीजिंग पार्ट्स में उसको अरेंज करते हैं और फिर ऐसे हम टेबल बनाते हैं, जिसको आर एच टेबल बोलते हैं, ठीक है। अब हम जब टेबल बनाते हैं ना, तो जो भी आपका टेबल होगा उसमें जो एस के कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने देखा था। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट पता करना, तो क्या करूँगा मैं, सिंपल ए वन मल्टीप्लाइड बाई ए टू माइनस ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए थ्री, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई दिस ए वन, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को यहाँ का चाहिए, तो इसके नीचे वाला कोएफिशिएंट चाहिए, दूसरा कोएफिशिएंट, तो क्या करूँगा, ए वन को मैं ए फोर से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस करूंगा ए नॉट से ए फाइव और डिवाइडेड बाई ए थ्री, ठीक है ना, ऐसे करूँगा, ठीक है। ऐसे हम प्रोसीड करते हैं, लास्ट में हम ए एन तक जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है। अब देखते हैं हमने क्या देखा था कि जब साइन चेंज होता है, जैसे मान लो एक मतलब जो एस के कोएफिशिएंट में फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें, तो फर्स्ट कॉलम में जितने साइन चेंजेज होते हैं उतने नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं आपके राइट हाफ में होते हैं। तो अगर कोई भी साइन चेंज, जैसे मान लो पॉजिटिव है और निगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर साइन चेंज होता है, तो पहली चीज़ तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपका पोल्स क्या हुए, राइट हाफ में चले गए। तो राइट हाफ में पोल्स चले जाने का मतलब आपका क्या हुआ, सिस्टम अनस्टेबल हो गया, तो एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जितने बार चेंजेज होंगे, ठीक है ना, उतने 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 क्या होंगे, उतने नंबर ऑफ पोल्स आपके राइट हाफ में होंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर होगा ना, जो एस का जो मैक्सिमम पावर होगा, वही उसके टोटल नंबर ऑफ पोल्स होंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने देखा था, एग्जाम्पल भी देखे थे, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ऐसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो ए एस स्क्वायर प्लस टेन एस प्लस टेन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो एस के डिक्रीजिंग पावर में है, पहले तो चेक करना है कि डिक्रीजिंग पावर में है कि नहीं। तो यहाँ पे एस स्क्वायर है, फिर यहाँ पे एस है और एस टू द पावर जीरो है, एस टू द पावर जीरो का मतलब वन, ठीक है ना। तो देखो दो से एक हुआ, एक से जीरो हो गया पावर, ये डिक्रीजिंग पावर है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, वन, तो हमने वन मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम इसको बीच वाले को छोड़ देंगे, नेक्स्ट पे जंप करेंगे। एस टू द पावर जीरो का टर्म कितना है, टेन है, तो टेन मार्क कर दिया हमने, ठीक है। फिर क्या करेंगे, नीचे वाले में क्या मार्क करेंगे, जो एस टू द पावर वन का कोएफिशिएंट, तो एस टू द पावर वन का कोएफिशिएंट है टेन, ठीक है। आगे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसको जीरो, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो टेन ही आएगा। अब देखो वन टेन टेन, अब इसमें कोई साइन चेंज नहीं है, ए भी पॉजिटिव नंबर, ए भी पॉजिटिव नंबर, ए भी पॉजिटिव नंबर, मतलब कोई साइन चेंज नहीं है। तो मैं पूछूंगी टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हैं, जीरो है, तो यानी टोटल नंबर ऑफ राइट हाफ पोल्स कितने होंगे, जीरो होंगे। जब राइट हाफ पोल्स जीरो होंगे, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट हाफ में कितने पोल होंगे, तो आपको पता है इसमें टोटल पोल कितने होंगे, जो एस एस का पावर है वही टोटल पोल होंगे। तो एस का पावर इसमें कितना है, टू है, तो यानी टोटल पोल कितने हैं, टू है। और दोनों पोल किधर होंगे, आपके लेफ्ट हाफ में होंगे, ठीक है, राइट हाफ में कोई नहीं होगा, ठीक है। ये कहानी है हम लोग देखा अभी तक, ठीक है। एक और केस लिया था हम लोगों ने, एस स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब देखो इसको ये एस टू द पावर टू है, अब एस टू द पावर वन इसमें नहीं है, तो आप एस टू द पावर वन का भी ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, तब ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, एस के डिक्रीजिंग पावर में पहले इसको अरेंज करना है, एस के डिक्रीजिंग पावर में एस टू द पावर वन होगा, एस टू मतलब एस स्क्वायर के डिक्रीजिंग पावर क्या होगा अगला, नेक्स्ट एस टू द पावर वन होगा। अब उससे आप उसको, लेकिन ये तो है नहीं, तो इसको क्या करोगे, आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे एक जीरो कोएफिशिएंट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने 25 इंटू एस टू द पावर जीरो था। जब आप इसको अरेंज करोगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी अगर आपका जब भी कभी आपका अगर जो कॉलम है उसमें एक कोई मतलब एक एलिमेंट है वो जीरो हो रहा है, तो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, ठीक है ना, ये देखा था हम लोगों ने। और उसकी फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, हम लोग उसी का मतलब उसमें एस इक्वल्स टू जे ओमेगा रख के निकाल लेंगे फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये सब कहानी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे फर्स्ट एक एग्जाम्पल है आपका, जैसे मान लो कोई मैं एक पॉलिनोमियल एक कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे लिखा है, मान लो ऐसे लिखा है एस फोर एस टू द पावर फोर प्लस टू एस स्क्वायर प्लस 3s स्क्वायर, एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, सॉरी 3s स्क्वायर है, 3s लिखो, 3s इसको क्यूब कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, 3s स्क्वायर, ठीक है, 3s स्क्वायर प्लस एस प्लस टू, ऐसे मान लो मैं ले रहा हूँ एस प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है हमारा, ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कोई दिया हुआ है, ऐसे मान लो ऐसे दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ हमारा, ठीक है। अब ये ऐसा दिया हुआ है, अब मैं पूछूं इसमें कि नंबर ऑफ, आपको क्या बताना है, आपको कुछ चीजें बतानी है, एक तो स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है, स्टेबिलिटी और नंबर ऑफ पोल्स, एनपी में लिख दे रहा हूँ इसको, फिर ऐसे लिखो नंबर ऑफ लेफ्ट हाफ पोल्स और नंबर ऑफ राइट हाफ पोल्स, ये बताने आप, ठीक है। तो इसको कैसे आप प्रोसीड करोगे, अगेन इसमें आप क्या करोगे, देखो एस का डिक्रीजिंग पावर में है कि नहीं, देखो चार है, फिर तीन है, फिर दो है, फिर एक है, फिर जीरो है, ठीक है, डिक्रीजिंग पावर में है। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनेगा, टेबल बनाने के लिए हमने एस टू दी पावर फोर ले लो, फिर ले लो एस टू दी पावर थ्री, एस टू दी पावर टू, एस टू दी पावर वन और एस टू दी पावर जीरो, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके बना लो, ठीक है। अब एस टू दी पावर फोर का कोफिशिएंट कितना है, तो वन है, तो यहाँ वन रखोगे, अब ये जंप कर जाओगे तीसरे पे इस पे, ठीक है ना, तो एक इसका कोफिशिएंट कितना है, तो थ्री पे, यहाँ थ्री लग दोगे। नेक्स्ट कोफिशिएंट कितना है, थ्री के बाद टू है, ठीक है, तो दो रखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या रखोगे, एस टू दी पावर थ्री में देखो, एस टू दी पावर थ्री का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो क्या टू है, तो यहाँ टू रखोगे, अभी इस पे टू हो गया, आप यहाँ पे एक जंप कर जाओगे ऐसे करके, एक टू एस टू दी पावर थ्री हो गया, अब इस पे जंप करोगे तो एस पे आ जाओगे, तो एस का कोफिशिएंट कितना है, वन है, वन रखोगे, ठीक है, बाकी का यहाँ पे जीरो, ये आपका है जीरो। अब मैं एस एस स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना चाहूँ तो क्या होगा, देखो हमको ये सारा कैलकुलेट करना है, तो एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, आप क्या करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, यही होगा। फिर दूसरा कोफिशिएंट क्या लिखोगे, टू टू जा फोर, ए ऐसे इसको मल्टीप्लाई होगा और ऐसे इसको मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये हो जाएगा टू टू जा फोर, फोर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टू, ये टू ही आ जाएगा, ठीक है। अब सिक्स माइनस वन, सिक्स माइनस वन, इसको आई थिंक हम लोग किए हैं क्या इस वाले एग्जाम्पल को, चलो कोई नहीं एड कर लेते हैं दोबारा भी। तो सिक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू करोगे तो कितना आएगा, फाइव बाई टू, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं सिंपल इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ फाइव बाई टू, ठीक है, ए आ जाएगा टू। अब फिर से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसको ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे वन के साथ, तो क्या हो जाएगा, फाइव बाई टू और माइनस कितना हो जाएगा, फोर, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, फाइव बाई टू, फाइव बाई टू, ठीक है। ऐसे ही आप फाइव बाई टू को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे, तो ये सिंपल ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, फाइव बाई टू ये है आपका फाइव बाई टू माइनस फोर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फोर टू ज़ा एट, तो माइनस हो जाएगा थ्री बाई टू, और डिवाइडेड बाई कितना है, फाइव बाई टू, ये हो जाएगा टू बाई फाइव, ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री बाई फाइव, ठीक है। यहाँ पे आपका इस पूरे पे आप ये लिख सकते हो, तो आप सॉल्व करके ही लिख दो, ये आ जाएगा माइनस थ्री बाई फाइव, ठीक है, आ जाएगा माइनस थ्री बाई फाइव, ठीक है। अब देखो माइनस थ्री बाई फाइव हो गया, ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, टू से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई टू से करोगे, और ये जीरो से मल्टीप्लाई हो, जीरो से तो कोई मतलब हुआ नहीं, टू से मल्टीप्लाई हो गया, थ्री माइनस थ्री बाई फाइव हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, टू बचेगा, टू बचेगा, ठीक है। एक चीज ध्यान से देखो, ये टू है ना, ये देखो आपका, ये देखो टू यहाँ पे भी आ गया, यही टू यहाँ पे भी आ रहा है, तो ना ये चीज फॉलो होगा, मैं आप चेक कर सकते हो आप सही किए हो कि नहीं, ये चीज ऐसे एक पैटर्न बनेगा आपका हर टेबल में, ठीक है ना। अब देखो मैं पूछू इसमें साइन चेंज कितना हुआ है, साइन चेंज कहाँ कहाँ हुआ है, देखो ए आपका पहले वन था, वन से टू गया, मतलब प्लस वन था तो फिर टू हुआ, तो प्लस से प्लस गया तो कोई साइन चेंज नहीं, फिर टू से फाइव बाई टू आ गया तब भी कोई साइन चेंज नहीं, फाइव बाई टू से माइनस थ्री बाई फाइव जब आया है एक साइन चेंज हुआ है, क्या हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, अब फिर जब माइनस थ्री बाई फाइव से टू जाएगा तो एक और साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें निगेटिव से पॉजिटिव। मैं पूछूँ टोटल साइन चेंजेस कितने हैं, इसमें आपके टोटल साइन चेंजेस कितने हैं, टोटल साइन चेंजेस, ठीक है, ऐसे कोई हम लोग एग्जाम्पल किए हैं एक बार, ठीक है, दोबारा हम देख, तो टोटल साइनजेस कितने हैं आपके, दो हैं, तो नंबर ऑफ जो आपके नंबर ऑफ राइट हाफ पोल्स जो है, राइट हाफ पोल से कितने होंगे, दो होंगे। अब मैं पूछूं कि नंबर ऑफ लेफ्ट हाफ पोल कितने हैं, तो पहले तो ये देखो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोल कितने होंगे, तो एस टू दी पावर एस का मैक्सिमम पावर कितना है, फोर है, तो टोटल पावर टोटल कितने पोल होंगे, ए हो जाएगा टोटल पोल, टोटल पोल माइनस, टोटल पोल माइनस नंबर ऑफ राइट हाफ पोल, ठीक है ना, नंबर ऑफ राइट हाफ पोल। अच्छा इसमें अगर मान लो कि इमेजिनरी पोल्स होते हैं ना, तो उसको भी आप माइनस करते, ठीक है ना,
माइनस इमेजिनरी पोर्स, नंबर ऑफ इमेजिन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो माइनस होल्स एट जे ओमेगा एक्सिस, ठीक है ना। ए भी जीरो है तो कुल मिला के टोटल पोल कितने हैं, चार, और ये कितना है माइनस टू और माइनस जीरो, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे आपके, टू पोल्स, मतलब राइट हाफ प्लेन में कितने पोल्स हैं आपके, दो पोल होंगे, और लेफ्ट हाफ में भी दो होंगे, ठीक है ना। तो ए आपका ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखो एक और केस लेते हैं, ठीक है ना, एक और केस लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे लिखा हुआ एस टू दावर फोर प्लस टू एस क्यूब प्लस टू एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस एट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है कि आपके कितने पोल्स होंगे भाई, साइन चेंजेस जो भी, मतलब पोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, राइट हाफ लेफ्ट हाफ स्टेबल है कि नहीं, इस तरह सारा चीज इसमें निकालना, ठीक है। इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करोगे, वही तरीका वही है कि पहले सबसे पहले चेक करोगे आपके जो कोएफिशिएंट्स हैं, एस के जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो देखो चार है, फिर तीन है, फिर दो है, फिर एक है, फिर जीरो है, मतलब सही है, ठीक है ना। आप सिंपल टेबल बनाना स्टार्ट करो, एस टू द पावर फोर, एस टू द पावर थ्री, एस टू द पावर टू, एस टू द पावर वन, एस टू द पावर जीरो, ठीक है। ये आप टेबल बनाना स्टार्ट कर दो ऐसे। अब देखो एस टू द पावर फोर का कोएफिशिएंट कितना है, देखो यहाँ पे होगा वन, पहले वन, अब एक एक जंप करके हम यहाँ लिख देंगे टू, दो हो गया, फिर नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा एट, नीचे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा दो, फिर एक जंप करके फोर, और उसके बाद नेक्स्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। मैं जीरो नहीं लिखता हूँ, आप समझ लेना जीरो ही है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एस स्क्वायर का टर्म लाना, ठीक है। अब एस स्क्वायर के टर्म में ध्यान से देखो, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना टू, तो टू टू जा फोर, फोर माइनस फोर वन जा फोर डिवाइडेड बाई टू, भाई साहब क्या हो गया, चार में चार गया जीरो, जीरो डिवाइड बाई टू जीरो, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, ये चीज आ गई जीरो, ठीक है। अब जैसे ही ये जीरो हुआ ना, अब आपको एक चीज पता चल गया, इस सिस्टम स्टेबल तो नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई रो आपका जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा, सॉरी कोई कॉलम जीरो हो जाता है, मतलब फर्स्ट कॉलम अगर जीरो हो जाता है, कोई कॉलम नहीं, फर्स्ट कॉलम अगर आपका इस टेबल का जीरो हो जाता है, इससे एंश्योर हो जाएगा कि सिस्टम स्टेबल तो नहीं है। तो क्या हो सकता है, या तो अनस्टेबल हो सकता है, या फिर मार्जिनली स्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो अभी जो जीरो है ना, तो मेरे को पता करना है कि कितने साइन चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर केवल एक ही जीरो इस रो में आता है, अगर एक ही जीरो आता है, तो आप मान लो कि सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल है, ठीक है ना, मार्जिनली स्टेबल है। तो हमको कंफर्म करना है, तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको मतलब कितने आपके साइन चेंजेस हो रहे हैं, इसको पता लगाने के लिए ना, हम इसको क्या करेंगे, जीरो ना लिख के ना, हम एक स्मॉल क्वांटिटी मान लेंगे कि एक टेंस टू जीरो है, समझो इस चीज को मैं क्या कहने वाला हूँ। इससे मेरा जीरो आने से क्या कंफर्म हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या आया था, जीरो आया था, तो जीरो आने से ये कंफर्म हुआ मेरा कि ये सिस्टम क्या है, स्टेबल तो नहीं है। तो क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा सिस्टम, ठीक है ना, या फिर अनस्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमको पता करना है कि कितने इसमें नंबर ऑफ पोल्स जो है राइट हाफ में है, कितने लेफ्ट हाफ में, ये मेरे को पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, जीरो रख के कैलकुलेशन मैं कर ही नहीं पाऊंगा नीचे का, क्योंकि सारे जीरो होने लगेंगे। उसके लिए मैं जीरो को ना, जीरो ना मान के एक स्मॉल क्वांटिटी मान लूंगा, उसको लिखूंगा एप्सिलॉन। आप कोई भी चीज लिख सकते हो, स्टैंडर्ड यही फॉलो करा जाता है, एप्सिलॉन लिखा जाता है, एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन ऐसे आप मार्क कर दो, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन जो है ना, वो आपका बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब स्मॉल जो है, ये है वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल, ठीक है, टेंस टू जीरो है, ठीक है ना। तो अब हमने एप्सिलॉन मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा कोएफिशिएंट मैं कैलकुलेट करूंगा, देखो ध्यान से, दूसरा कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करूंगा, कि टू एट जा, देखो ए मल्टीप्लाई होगा टू एट जा 16, और वन यहाँ पे जीरो है, तो जीरो हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई टू कितना हो जाएगा, एट आ जाएगा, तो यहाँ पे तो एट ही आएगा, ठीक है ना। तो हमारा आ गया एप्सिलॉन आ गया। अब एस टू द पावर वन का कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, ये क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करो अगेन, वही सेम तरीका है, इसको आप मल्टीप्लाई करो इससे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, और डिवाइडेड बाई जो जहाँ से शुरू किया वो रख दो, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये फोर एप्सिलॉन हो जाएगा, फोर एप्सिलॉन जो भी, ठीक है ना, फोर एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन, और माइनस क्या हो जाएगा, एट, एट टू जा 16, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो फोर एप्सिलॉन माइनस 16 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो ए हो गया, अब एस टू द पावर जीरो का क्या होगा कोएफिशिएंट,
यहाँ वाला तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर जीरो है यहाँ जीरो है, तो ये ए वाला कॉन्स्टेंट कुछ नहीं होगा, बस यही बचेगा। अब एस टू दावर जीरो का क्या होगा कॉन्स्टेंट? तो अगेन आप क्या करोगे, इस पूरे क्वांटिटी से आठ को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, ए वाला तो जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, अब पूरे क्वांटिटी को आठ से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडेड बाई यही कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आठ आ जाएगा, एट आ जाएगा, ठीक है ना, आप करके देखना एट ही आएगा, ठीक है। एक चीज देखना है, हमेशा ये चीज फॉलो होगा, देखो आठ यहाँ पे भी रिपीट हुआ ना, यही आठ यहाँ लास्ट में भी आएगा, ये वाला, ठीक है ना, लास्ट वाला ऐसे होता रहेगा। तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको देखना है, मैंने क्या बोला था इसमें, मैंने क्या बोला था, जो एप्सिलॉन है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये जो एस टू द पावर वन है ना, इसको चेक करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, फोर एप्सिलॉन, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फोर एप्सिलॉन माइनस 16 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बोला, एप्सिलॉन बहुत मतलब स्मॉल क्वांटिटी, तो लिमिट ले लूंगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, ठीक है ना, क्योंकि जीरो आया था, जीरो की जगह पे ही मैंने एप्सिलॉन लिखा था, ठीक है, याद होगा आपको, ठीक है। और मैं क्यों क्यों लिखा था कि मेरे को पता करना है कितने साइन चेंजेस हो रहे हैं, तो मैं जीरो की जगह पे एप्सिलॉन लिख दिया था, ए मेरा हो गया इतना, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ किसी भी तरीके से, मैं अगर कैलकुलेट करूँ इस चीज को तो क्या आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ऐसे लिखता हूँ लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा फोर, फोर माइनस 16 डिवाइड बाई एप्सिलॉन, यही हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली ए लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, तो फोर, तो फोर का क्या मतलब है, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो फोर का कोई मतलब तो है नहीं, फोर ही रहेगा वो, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन टेंस टू जीरो करोगे ना तो 16 डिवाइड बाई जीरो क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट, तो कुल मिला के माइनस इन्फाइनाइट आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। मतलब क्या है कि ए वाला जो क्वांटिटी है, ध्यान से देखो, ए वाला जो क्वांटिटी है, ए वाला जो क्वांटिटी, ए वाला ये क्या दे रहा है हमको, ये वाला क्वांटिटी क्या दे रहा है, ये दे रहा है माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब क्या है, एप्सिलॉन तो हमने पॉजिटिव नंबर है, वेरी स्मॉल क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर हमने माना है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, वन साइन चेंज, ठीक है ना, और फिर क्या है, निगेटिव से फिर से देखो आठ पॉजिटिव नंबर है तो डबल साइन चेंज, ठीक है। तो अब क्या है, इनसे क्या क्या चीज पता चली, इनसे पता क्या चली, देखो पहला चीज क्या निकला इससे, फर्स्ट चीज क्या निकल के आया कि देयर आर, ऐसे लिख दो, फर्स्ट रेड यूज करते हैं, ठीक है ना, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, फर्स्ट कि देयर आर टू साइन चेंजेस, टू साइन चेंजेस, ठीक है। और साइन चेंजेस कहां से कहां मैंने बता दिया, दिया आपको, ठीक है ना, देयर आर टू साइन चेंजेस। अब जो दो साइन चेंजेस हुए हैं ना, इसका मतलब क्या है कि जैसे दो साइन चेंज हुए, इसका मतलब ये है कि आपका जो राइट हाफ पोल्स होंगे ना, नंबर ऑफ राइट हाफ पोल्स, उसको कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, टोटल नंबर इसमें कितने हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं इसमें, फोर है, तो लेफ्ट हाफ पोल कितने होंगे, नंबर ऑफ लेफ्ट हाफ पोल क्या हो जाएगा, फोर माइनस टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। तो टू आपका, दो जो पोल होंगे वो आपके क्या होंगे, लेफ्ट हाफ में होंगे, ओके। ये हमारा कंक्लूजन निकल गया है इस आर एस टेबल से, ठीक है। तो जहां पे भी अगर इससे क्या कंक्लूजन निकला फाइनल, अगर हमको ऐसा कोई आएगा, इससे क्या हमको निकला कि whenever any element is zero, replace zero by a smallest positive constant, कोई एक कॉन्स्टेंट मान लो, नॉर्मली इसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, एप्सिलॉन से, ठीक है ना, यहाँ पे हम इंडिकेट किससे कर रहे हैं, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब भी एलिमेंट जीरो आता है, कोई एक एलिमेंट, ध्यान रखना, मतलब कोई एक एलिमेंट जीरो आता है तो उसको एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। आपने एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया, एंड कंटिन्यू द आर एच स्टेबिलिटी
finally for epsilon equals to 0 और ये लिख दो आप लास्ट में क्या करोगे चेक द नंबर ऑफ साइन चेंजेस ठीक है ये आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हो रहे हैं तो उससे आपको क्या कंफर्म हो जाएगा कितने नंबर ऑफ साइन चेंज हुए हैं और उसके वजह से कितने आपके नंबर ऑफ पोल्स जो हैं आपके राइट हाफ में गए हैं ठीक है ना तो जितने साइन चेंज होंगे वो साइन चेंज पता करने के लिए हम जीरो को किससे रिप्लेस करें एप्सिलॉन से करें ठीक है ध्यान रखना है कि अगर मान लो सारे एलिमेंट जीरो हो जाते तो उसके लिए दूसरा तरीका है इसमें क्या हो रहा है केवल एक एलिमेंट जीरो हो रहा है जो भी आपका टेबल का मतलब फर्स्ट रो का ठीक है तो ये है आपका तरीका कि कितने आपके साइन चेंजेस होंगे उसके हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा ओके तो एक हमारा केस ये हो गया ठीक है एक तो केस था जिसमें जीरो नहीं आ रहा था तो उसको आप माइनस प्लस आ रहा था तो उसको ऐसे कर लोगे जहां पे जीरो आएगा उसका तरीका ये है निकालने का साइन चेंजेस निकालने ठीक है अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम एक एग्जांपल और लेते हैं एक नया केस इससे देगा आपको एक नया केस आएगा समझ में कि इसका क्या मतलब है ठीक है तो जैसे मान लो मेरे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दे रहा हूँ s^5 + s^4 + अच्छा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते कैसे है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको 1 + HSGS होता है ठीक है ना तो 1 + HSGS को आप निकालोगे तो इसी फॉर्म में आएगा ठीक है ना 3s³ + 2s + 2 = 0 मान लो एक केस है ठीक है अब इसका देखते हैं हम लोग इसका टेबल बनाना है हमको ठीक है ना इसका सोल्यूशन देखो आप ठीक है तो इसका क्या करोगे सबसे पहले टेबल बनाने के लिए क्या इंश्योर करोगे कि जो s का डिक्रीजिंग पावर है तो 5 है फिर 4 है फिर 3 है फिर 2 है फिर 1 है फिर 0 है ठीक है ना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट टेबल बनाओ ठीक है अरेंज करने की जरूरत कब होती जब आपका ए उसमें नहीं होता ठीक है ना हमेशा डिक्रीजिंग पावर में होगा तभी बनेगा टेबल s^5 हो गया फिर s^4 फिर s^3 फिर s^2 फिर s^1 फिर s^0 टेबल बनाना स्टार्ट कर दो ऐसे टेबल बनाना स्टार्ट करोगे आप कैसे होगा देखो अब देखो मैं पूछूं आपसे कि s^5 का कोएफिशिएंट कितना है तो 1 है देखो यहाँ पे 1 है अब 1 के बाद एक छोड़ दोगे आ जाएगा 3 1 आ गया 3 आ गया फिर क्या आ जाएगा देखो 1 3 फिर 3 के बाद एक छोड़ के नेक्स्ट 2 और 2 के बाद छोड़ोगे तो 0 ही हो जाएगा ठीक है दूसरा नीचे वाला देखो s² वाला शुरू करो s^4 वाला s^4 का कोएफिशिएंट कितना है 1 के बाद 3 के बाद 2 1 3 अब देखो ऊपर नीचे 1 3 2 1 3 2 हो गया ठीक है अब मैं s³ का अगर कैलकुलेट करूंगा ध्यान से देखो s³ का अगर कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा देखो ये हो जाएगा 1 3 जा कितना होता है 3 3 3 1 जा 3 ठीक है ना तो अब क्या हो गया कि 3 - 3 / 1 तो 3 - 3 कितना 0 तो ये आपका 0 हो गया ऐसे ही आप करोगे एक को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 और 2 × 1 कितना 2 तो 2 - 2 0 / 3 तो ये भी 0 ठीक है ऐसे ही नेक्स्ट करोगे तो ये भी 0 ही आएगा मतलब क्या हुआ सारे एलिमेंट 0 हो गए यहाँ पे s³ के जितने कोएफिशिएंट थे यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया उस केस में अब कैसे बढ़ोगे इस केस में अब हम एप्सिलॉन एज्यूम नहीं करेंगे अब इस केस में हमको क्या करना होगा इस केस में जब सारे एलिमेंट 0 हो जाएं ध्यान रखना मतलब कोएफिशिएंट सारे 0 हो जाएं अगर तो सारे कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे तो अलग रूल है और केवल एक कोएफिशिएंट 0 होता है ठीक है ना तो अलग रूल है तो वही मैं बता रहा हूँ अब यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट 0 हो गए s³ के तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि जो ऊपर वाला है देखो ध्यान से s⁴ वाला है ना s⁴ वाला चीज इसको हम ध्यान से देखेंगे इस वाले चीज को ध्यान से देखेंगे s⁴ वाले को तो इससे ना हम एक इक्वेशन निकालते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन अब s⁴ वाले को मैं क्या लिखता हूँ इसको बोलते हैं हम लोग इसका निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन पता नहीं इसको हिंदी में क्या देख लेना क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं जिस जहां पे जिस रो में 0 0 0 सारे एलिमेंट 0 हुए होते हैं
उससे ऊपर वाले एलिमेंट को देख के हम क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कोएफिशिएंट्स नोट कर लेंगे। देखो ध्यान से, कोएफिशिएंट क्या है हमारा, ए है, वन है, वन है, फिर थ्री है और टू है, ठीक है ना, ऐसे है। अब हमको कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, वन किससे मल्टीप्लाई होगा, वन किसके सामने है, एस फोर, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं वन मल्टीप्लाइड बाई एस फोर, ठीक है, प्लस लगा दूंगा मैं प्लस, ठीक है। अब प्लस थ्री है हमारा, अब थ्री किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो ध्यान से, अब जब एस फोर हम लिखे है ना एस फोर, अब जब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे ना तो एस फोर एक छोड़ के होगा, एस फोर के आगे वाला टर्म क्या होगा, एस थ्री होगा, एस थ्री के आगे वाला टर्म क्या होगा, एस टू होगा, तो यहाँ पे एस स्क्वायर आएगा, एक छोड़ के टर्म आएगा, ठीक है ना। और फिर देखो एस स्क्वायर के अगला टर्म क्या होगा, एक मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, एस होगा, और एस का अगला टर्म क्या होगा, एस टू द पावर जीरो होगा, तो ए सिंपल टू इंटू एस टू द पावर जीरो, या फिर टू इंटू वन कर दो, एस टू द पावर जीरो का मतलब क्या, वन, तो मतलब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, एस टू द पावर फोर प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस टू, और दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखना है, मैंने बताया कि जो आपका यहाँ पे लिखा है एस टू द पावर फोर, मतलब सबसे पहले क्या करोगे, जहाँ पे जीरो हो रहा है ना उसके ऊपर वाले पे जाओगे, ठीक है ना, जहाँ पे जिस कॉल जिस रो में जीरो हो रहा है उसके ऊपर वाले रो में जाओगे, उसके कोएफिशिएंट नोट कर लिया आपने वन थ्री टू, ठीक है ना। अब क्या करो, वन किससे मल्टीप्लाई होगा, एस टू द पावर फोर से, थ्री किससे मल्टीप्लाई होगा, एस टू द पावर फोर के बाद वाला टर्म क्या होगा, नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, एस टू द पावर थ्री, उसको छोड़ के एक अगले टर्म से, तो एस टू द पावर स्क्वायर वाला, मतलब एस टू द पावर टू वाला टर्म होगा, ठीक है ना, एस स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसको क्या लिखते हो आप, एस टू एच टू द पावर फोर प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये आपने क्या लिख दिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करोगे ना, विद रेस्पेक्ट टू इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को ना, विद रेस्पेक्ट टू एस आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ठीक है ना, जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको क्या करोगे आप, विद जो भी आपका मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसको आप विद रेस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, देखो एस टू द पावर फोर को एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, फोर एस क्यूब, ठीक है, और थ्री एस स्क्वायर को करो, क्या आ जाएगा, सिक्स एस, डिफ्रेंशिएट करोगे तो, ठीक है, और टू का डिफ्रेंशिएशन कॉन्स्टेंट है तो जीरो, इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो, इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, ये आपकी कहानी आ गई, इतनी आ गई, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, फोर एस क्यूब प्लस सिक्स एस, इसको आप ऐसे लिख दो, जीरो मतलब आप डिफ्रेंशिएट किए हो, क्या आ जाएगा, फोर एस क्यू प्लस सिक्स एस आ गया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो आप, अब मैं क्या करूंगा, जो एस क्यूब वाला जो कंपोनेंट है, एस क्यूब क्या हो रहा था, सब जीरो हो जाते, मतलब सॉरी एस टू द पावर क्यू वाले के जो सामने वाले कोएफिशिएंट थे सब जीरो हो जा रहे थे, अब मैं क्या करूंगा ना, इससे रिप्लेस कर दूंगा। अब मैं जीरो को किससे रिप्लेस करूंगा, देखो एस क्यूब के सामने क्या लिखा था, जीरो लिखा था, अब मैं इस जीरो को ना किससे रिप्लेस कर दूंगा, फोर से, देखो यहाँ पे एस क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, फोर, मैं लिख दूंगा फोर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला कोएफिशिएंट क्या है, जीरो है, इसको मैं क्या किससे रिप्लेस कर दूंगा, इसको कर दूंगा सिक्स, ठीक है ना, यहाँ पे देखो सिक्स है तो सिक्स से रिप्लेस कर दिया, और ये जीरो का जीरो ही रहेगा, ठीक है, ये जीरो का जीरो ही रहेगा। अब देखो, अब मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, इससे, फोर थ्री जा, फोर थ्री जा क्या हो गया, ट्वेल्व, ट्वेल्व ऑफ ए क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो, और डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है ना, फोर ट्वेल्व माइनस सिक्स, ट्वेल्व माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है, तो ए हो गया, और फोर माइनस सॉरी फोर, अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे फोर टू जा, ऐसे करोगे फोर टू जा एट, और एट को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला क्या होगा, इसको आप नॉर्मल जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे वही सेम मल्टीप्लीकेशन होल्ड रहेगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई फोर, ए हो गया, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फोर टू जा एट, एट माइनस जीरो डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई सिक्स, ठीक है ना, एट माइनस जीरो डिवाइडेड बाई सिक्स कितना होगा, अगर आप इसको लिखना चाहो, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा आपका टू, टू ही होगा ना, हाँ नहीं नहीं सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ना, फोर टू जाए ऐसे, हाँ यही होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्वेल्व माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है, तो 12 माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई फोर का मतलब क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू, मतलब ए हो जाएगा 12 माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई फोर का मतलब सिक्स बाई फोर, सिक्स बाई फोर का मतलब थ्री बाई टू, इसको मैं थ्री बाई टू लिख दूँ, इसको कैलकुलेट करके आप मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तो आप थ्री बाई टू लिख देना, कैलकुलेट आप अलग किया करना है, ठीक है ना, टेबल में बस एंट्री होनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेट आप अलग कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा थ्री बाई टू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टू, ठीक है। अब अगेन आप क्या करोगे, थ्री बाई टू और टू टू है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पे, एस टू द पावर वन वाला ऑप्शन कितना आ जाएगा, देखो
ये हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4 2 8 और डिवाइड बाई 3/2 करोगे तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। ये मैंने पहले से किया हुआ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, इसको 2/3 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और माइनस 0 डिवाइड बाई 2/3, तो ये आ जाएगा आपका सिंपल 2, ठीक है ना। तो देखो एक चीज इसमें भी आपका ये लास्ट वाला 2 रिपीट हो रहा है, देखो यही सेम चलता आ रहा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितने साइन चेंज हुए, ठीक है, कितने साइन चेंज हुए हैं इसमें बताओ। इसमें कोई साइन चेंज नहीं हुआ है, इसमें क्या है, कोई साइन, नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, ठीक है। मतलब क्या है भाई, कोई साइन चेंज नहीं हुआ है, यानी ये सिस्टम क्या है, अनस्टेबल तो नहीं है, अनस्टेबल नहीं है और स्टेबल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो आ गया भाई, जीरो जब आ गया अगर कोफिशियंट, मतलब जीरो कोफिशियंट, जीरो आ गया अगर इस रो में सॉरी कॉलम में, तो वो सिस्टम क्या होगा, कभी स्टेबल होगा ही नहीं। तो जब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल भी नहीं है, क्योंकि साइन भी चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम आपका है मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली, मतलब मार्जिनली स्टेबल का मतलब क्या है, सारे जो पोल होंगे ना, सारे पोल होंगे वो कहाँ लाई कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे जे ओमेगा एक्सिस पे, ये आपका अगर पोल जीरो प्लॉट है वो सारे पोल कहाँ लाई कर, अच्छा कितने पोल है, देखो इसमें, इसमें कितने, 5 पोल हैं, ये पांचों पोल कहाँ लाई कर रहे होंगे, जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर, ना सारे पोल कहाँ लाई कर रहे होंगे, जे ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे, इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो सारे जितने भी, जितने नंबर ऑफ आपके पोल्स हैं, तो ये जो सारे पोल्स होंगे आपके जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेंगे, ऐसा सिस्टम जो भी होगा आपका, जो जितने पोल होंगे इन्हीं पे लाई कर रहा होंगे, ठीक है ना, इसी पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो ना ही स्टेबल होगा ना ही अनस्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है। तो इससे हम ऐसे करके निकालते हैं, ओके, कि कैसे होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल स्टार्ट में हम लोगों ने जब किया था, वो क्या किया था, जैसे मान लो ऐसे लिखा होगा, एस स्क्वायर प्लस 25 = 0, जैसे सिंपल सा लेते हैं, ठीक है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं एग्जाम्पल। तो इसका, इसमें हम कैसे पता करेंगे कि मार्जिनली स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिखने से पहले कि हम ये इंश्योर करेंगे कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसे लिखते हैं उस फॉर्म में लिखा है कि नहीं। तो हम कैसे लिखते हैं कि एस स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं, एक टर्म मतलब एस को एक बार आप मतलब डिक्रीज करोगे इसका और पावर डिक्रीज करोगे क्या आ जाएगा, एस आएगा और फिर एस का पावर डिक्रीज करोगे, मतलब इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, एस स्क्वायर प्लस 0 × 10^1 प्लस 25 = 0। अब ये सही हुआ, ठीक है ना, अब ये सही हुआ। अब इसका टेबल बनाओगे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर फिर 10^1 और फिर 10^0। अब इसका टेबल बनाओ, एस स्क्वायर का कॉफिशियंट कितना होगा, 1, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कॉफिशियंट क्या लिखोगे, 25, इसका क्या रखोगे, 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये बताओ इसमें कितने टर्म होने, एस टू दी पावर वन के सामने एक ही होना चाहिए था, ठीक है ना, एस टू दी पावर वन के सामने कितना कोएफिशिएंट होना चाहिए, एक ही कोएफिशिएंट होना चाहिए था। जब एक कोएफिशिएंट होना चाहिए था मतलब क्या है, इसमें भी तो आप ये बोल सकते हो ना कि ऑल ऑल रोज आर जीरो, क्योंकि पूरे रो में एक ही एलिमेंट है, तो ऑल हो गया ना, तो ऑल रोज आर जीरो, ऑल रोज आर जीरो का मतलब क्या हुआ, ऑल रोज आर जीरो का मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है वो क्या है, मार्जिनली स्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल, अभी तो हम लोगों ने किया था मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। अब मार्जिनली स्टेबल है तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए जाऊंगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ होता है, इसके ऊपर जाके निकालते हैं, ऊपर जाएंगे तो क्या निकलेगा, ऊपर जाएंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा उसके बाद, ये आ जाएगा 1 × s² + 25 = 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या बताया था कि यहाँ का टर्म एस टू दी पावर जीरो का कोएफिशिएंट निकालेंगे, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डी ए ई डिवाइड बाई डी एस निकाल दूंगा, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2s, ठीक है ना, 2s, तो 25 मत माना, 2s लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 2s, कैसे लिखूंगा इसको, ठीक है ना, 2s है, ठीक है, और 25 का जो भी आपका डिफरेंशिएशन होगा 0 हो जाएगा, तो 2s है। अब 2s है मतलब क्या हो जाएगा, एस टू दी पावर जीरो का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये जो एस टू दी पावर वन का जीरो हटा के क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिंपल 2, ठीक है ना, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 225/2 तो आ जाएगा 25, ठीक है, और सिस्टम क्या हो गया आपका, मार्जिनली स्टेबल हो गया। तो जब आपके सारे रो जीरो हो जाएं उस केस में सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल। अगर कोई एक रो जीरो होता है ना, एक रो जीरो होता है, तो उस केस में आपका सिस्टम मतलब सॉरी
एक रो कह रहा हूँ, मतलब रो का अगर एक एलिमेंट जीरो होता है उस केस में आप क्या करते हो, उसको आप एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर से रिप्लेस करके सारा चीज निकाल लेते हो। तो ये कहानी है कुल मिलाकर, ठीक है, कि कैसे हम बताते हैं सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है क्या है, ठीक है ना, ऐसे करके हम सारा चीज देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्जिलरी इक्वेशन कैसे निकालना है, जब सारे कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे तो ऑक्जिलरी इक्वेशन निकाल के उसको फिर रिप्लेस कर देते हैं, तो उस पर हमको पता चल जाता है कि मतलब किस टाइप का जो आपका कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, राइट हाफ पोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ राइट हाफ जीरो मतलब लेफ्ट हाफ पोल्स, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब ना कुछ हम लोग कंडीशनल स्टेबल सिस्टम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कुछ हम जैसे मान लो कुछ कुछ सिस्टम की स्टेबिलिटी ना कंडीशनल हो सकती है, जैसे इसको हम लोग लिखते हैं कंडीशनल, लास्ट टॉपिक है कंडीशनल कंडीशनल स्टेबल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम। इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये होगा कि इसमें एक कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के, तो मैं के लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक कांस्टेंट के होगा। अब इस के ना वैल्यूज के लिए मतलब रेंज ऑफ के वैल्यूज ठीक है ना, ये डिफाइन करेगा, क्या करेगा, स्टेबिलिटी, ठीक है ना, रेंज ऑफ के वैल्यूज विल डिफाइन द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। जैसे जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो एक सिस्टम है हमारा, ऐसे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, लिखा हुआ है s³ प्लस 8s² सर 8s² प्लस 4s प्लस k=0, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमको इसमें चेक करना है, इसमें देखो k लिखा हुआ है, कांस्टेंट है टर्म, तो सबसे पहले हम इसका देख लेंगे कि उस फॉर्म में लिखा है कि नहीं, ठीक है ना, सबसे पहले क्या देखेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, s के डिक्रीजिंग पावर में लिखा है कि नहीं, तो देख लो, चेक कर लो, ठीक है, तो चेक करोगे तो आपको लगेगा कि लिखा है, देखो s³, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, ठीक है ना, तो लिखा हुआ है, तो आप टेबल सीधे बनाना स्टार्ट करो, s³, s², s⁴, s⁴, 0, हम टेबल सीधे बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखो s³ है, इसका क्वेश्चन कितना है, 1 है, 1 का नेक्स्ट टर्म क्या है, 4 है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, s² का है 8, उसका नेक्स्ट क्या है, k है, ये आ गया k। अब देखो अब s⁴ का क्वेश्चन कैसे आप कैलकुलेट करोगे, s⁴ का क्वेश्चन कैलकुलेट करके 8 4 कितना होता है, 32, 8 4 32, ठीक है ना, 8 4 32, और माइनस क्या हो जाएगा, k डिवाइडेड बाई 8, यही आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आगे का तो ये जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे तो जीरो है, कुछ है क्योंकि 8 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जब आप इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड इससे कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, सिंपल के ही आ जाएगा, ठीक है, के आ जाएगा, मतलब कुल मिला के आपका ऐसा कुछ बन गया, आपका जो टेबल है ऐसा कुछ बन गया हमारा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है ना, स्टेबल करने के लिए क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, याद होगा, कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कोई साइन नहीं होना चाहिए तो क्या है, देखो ए 1 पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव, 8 भी पॉजिटिव, ए भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि के का क्या करना, के क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है ना, फॉर स्टेबल सिस्टम, स्टेबल के लिए, स्टेबल सिस्टम के लिए के क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात, क्यों, जब के निगेटिव होगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना कहीं से, साइन चेंज होगा तो क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, तो पहली बात कि अगर के को स्टेबल, मतलब सिस्टम को स्टेबल रखना है तो के पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, पहला काम खत्म। दूसरा काम कि इसमें के जीरो नहीं होना चाहिए, के अगर जीरो हो जाएगा ना, के अगर जीरो हो गया, के अगर जीरो होगा तो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा भाई, तो मार्जिनली स्टेबल भी नहीं, हमको स्टेबल सिस्टम चाहिए, तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, और के पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब कुल मिला के क्या होना चाहिए, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इन दोनों चीजों से क्या मिल गया, अगर के पॉजिटिव है और के की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है, तो क्या होना चाहिए, के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो पहला कंडीशन ही निकल के आ गया, फर्स्ट कंडीशन क्या निकल के आ गया, के मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या आएगा, देखो
दूसरा कंडीशन है k की वैल्यू तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसको भी देखो ध्यान से, किसको, 32 माइनस के डिवाइडेड बाई 8, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो आपका है 32 माइनस के डिवाइडेड बाई 8, ए भी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, इसकी भी जो वैल्यू होनी चाहिए वो किससे ज्यादा होना चाहिए, जीरो से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, जीरो से ज्यादा होना चाहिए। जीरो से ज्यादा होने के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 32 माइनस के, अब 8 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80, तो ए आपका जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या होना चाहिए कि जो k की वैल्यू है इसके होना चाहिए 32 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन हमारा आपको तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 32 माइनस के इधर जाएगा तो जीरो, 32 माइनस के शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो के शुड भी इधर के ले जाओगे, साइड के ले जाओगे, अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता होगा मेरे ख्याल से, तो 32 है ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, माइनस के है तो इधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, तो के हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 32 से ज्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। इसमें दो कंडीशन आएगी, अगर सिस्टम को स्टेबल करना है तो आपका के का रेंज क्या होना चाहिए, जीरो से लेके, जीरो से बड़ा हो और 32 से क्या हो, छोटा हो, 32 से आपका क्या हो, छोटा हो, तभी सिस्टम आपका स्टेबल होगा, ठीक है, तभी क्या होगा, सिस्टम आपका स्टेबल होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, ये स्टेबल सिस्टम की बात हो रही है, मैं पूछूं कि इसको मार्जिनल स्टेबल होना चाहिए, मार्जिनल स्टेबल, तो मार्जिनल स्टेबल कंडीशन क्या है, एक जो है ना कम, ये जो एक है ना वो क्या हो, उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है ना, उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप के की वैल्यू जीरो कर दो, के की वैल्यू भी जीरो कर सकते हो, और दूसरा आप क्या क्या काम कर सकते हो, दूसरा काम ये कर सकते हो कि 32 माइनस के डिवाइड बाई 8 की वैल्यू जीरो कर दो, मतलब के की वैल्यू अगर 32 ले लोगे आप इस सिस्टम में, अब के की वैल्यू 32 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। मार्जिनली स्टेबल का मतलब क्या होगा, आपके जो पोल्स होंगे वो आपके जे ओमेगा एक्सिस पे आ गए, ठीक है। एक कहानी है कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है, और किस रेंज में स्टेबल है वो, ठीक है ना। तो एक कंडीशनल वाला बहुत बारी एग्जाम में आता है, उसको देख लेना, मतलब कैसे इसको करना है, ठीक है। एक शॉर्ट तरीका है फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने का, लेकिन उसको रहने दो क्योंकि वो हो जाओगे कन्फ्यूज तुम लोग, ठीक है ना। आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो, बट तरीका इसी को फॉलो करो, कभी टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, बट वो याद मेमोराइज करना पड़ेगा, और ये समझने वाला है तो आई थिंक ज़्यादा ईजी है इसमें, ठीक है। ये हमारा जो स्टेबिलिटी हम कैसे किसी सिस्टम की फाइंड आउट करते हैं यूजिंग रूट हर्विट क्राइटेरिया, और रूट हर्विट टेबल से कैसे स्टेबिलिटी निकालते हैं, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे इसमें पॉइंट्स कवर किए हैं, ठीक है ना, कैसे हम लोग निकालते हैं। मेन पॉइंट जो है इसमें याद करने वाला वो है कि अगर हमारा कोई एक एलिमेंट जीरो होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सिंगल ए जीरो हो रहा था तो उसको एक स्मॉल नंबर से, स्मॉल पॉजिटिव नंबर से रिप्लेस करते हैं, इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दूसरा क्या है कि अगर सारे रो जीरो हो जाएं एक साथ तो क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर जो डिफ्रेंशिएशन आता है उससे उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उसको हम फिल करते हैं टेबल में, ठीक है ना। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर कंट्रोलर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। चलो, थैंक यू।